पीटर एक राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पर हमारे घर में कायम ये हमको संदेश था कि कोई भी उस झगड़े में न पड़े। तो इस प्रकार से हर बार यही था कि हमको प्रतिक्रिया कहाँ देनी चाहिए और कहाँ नहीं देनी चाहिए। जहाँ भी एक हिंसक रूप है वहाँ हम लोगों को शांत रहना चाहिए, यही कायम का संदेश था। तो उनके साथ जुड़े रहने में जो एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा मिलती थी वो उस किसान से भी मिलती थी जिसके साथ जुड़े थे। और इसमें जो अलग अलग मूल्यों पर हमारे बौद्धिक होते थे, उसे बौद्धिक कहा जाता था, जो प्रबोधन के सत्र होते थे, उसमें मुझे दोनों याद है, अहिंसा भी और श्रम प्रतिष्ठा भी। लेकिन वहां ये होता है, और इसमें अहिंसा का विचार सर्वधर्म समभाव से जुड़ता था और विषमता यानी गैर बराबरी और अन्याय से जुड़ता था। मतलब इन सबके पक्ष में या अन्याय और गैर बराबरी के विरोध में हम लोग अहिंसा से प्रेरित होकर ही कार्यरत रहे, ये अपेक्षा समाजवादी हरदम रखते थे। कभी भी उन्होंने शस्त्र का आधार लेकर हिंसा का जवाब हिंसा से देने की बात नहीं की, और न कहीं भी गैर बराबरी को उन्होंने कभी सम्मान दिया, अपने विचारों में स्थान नहीं दिया, और अपने कार्य में उस गैर बराबरी की खिलाफत एक बहुत बड़ी मंजिल मानकर वो हरदम हमारे साथ संवाद करते थे। एक एक समाज जो वंचित और शोषित होता है वो भी हिंसा नहीं चाहता है मूलतः, ऐसा मेरा मानना है, और गांधी जी का विश्वास यही था, जिससे हमको अहिंसा में एक विश्वास बनता है और अहिंसा के मूल्य से एक प्रेरणा और ताकत लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर अहिंसा कायरता बन सकेगी। अगर हम ये मानेंगे कि लोग तो हिंसक हैं और फिर हम अहिंसा कर रहे हैं, तो एक तो एक झूठा गर्व और झूठा आत्माभिमान हमें आएगा, तो वो ज्यादा लंबा चल नहीं सकता है। अगर हमको ये लगा कि नहीं, समाज भी और मनुष्य भी एक प्रकार से अहिंसा के ही बल पर जीवन जीता है, वो जीत हार की बात नहीं होती है, और जब वो विश्वास ढल जाता है तब या तो वो हिंसक बनता है या तो कायर बनकर वो हार जाता है। और अगर आपको कुछ गहराई से और दीर्घकालीन परिवर्तन लाना है, बुनियादी परिवर्तन लाना है, तो आपको पेशेंस, टॉलरेंस मतलब धीरज, सहनशीलता इसका आधार लेकर अहिंसक वृत्ति से ही रिश्ते बनाते हुए चलना पड़ेगा। कितना भी आक्रमण हो, अतिक्रमण हो, ऊपर नीचे चढ़ना उतरना हो, ये तो कार्य के काल में होते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के अनुभव होते हैं, अपने सहकारियों के अनुभव होते हैं, जो कभी इस बाजू कभी उस बाजू दिखाई देते हैं। लेकिन हम लोगों को अगर एक मंजिल दिखती है और वो मंजिल अगर गरीबों के चेहरे में दिखती है, तो हम तो छोड़ पकड़ नहीं कर सकते हैं, और मूल्यों की भी चौखट को हम लोग बदलने नहीं दे सकते हैं अपने मन में और अपने कार्य में। मुझे लगता है कि इस प्रकार से कार्यानुभव से ही अपने मूल्य और अपने विचार पक्के होते हैं साथ में लेते हुए। पर मेजॉरिटी, बहुसंख्यक लोग घाटी के अहिंसा के ही पक्ष में थे, तो हमने कोई बड़ा काम किया उनको अहिंसा सिखा कर, ऐसा कोई मेरा दावा नहीं है। एक तो इसलिए क्योंकि जब पुलिस हमारे सामने आते थे तब भी हमने अलग अलग अनुभव लिए कि जब हमने कभी उनको हाथ नहीं लगाया और हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा, ऐसी बातें बहुत जोर शोर से हम करते थे, वो इतनी दिमाग में जाए कि किसी का हाथ उठे ही नहीं, तो पुलिस भी अलग पेश आते थे। पहले आते थे गुस्से से सीना तान कर, तो फिर क्या हम लोग केवल केसेस दाखिल करें या हिंसा से जवाब दे, इसके बदले अपनी मंजिल को न भूलते हुए अपना अहिंसक मार्ग पर चलते रहना, यही बड़ी बात होती है। कभी कभी कुछ लोग गुस्सा होते हैं कि देखिए कोई सजा नहीं हुई उनको जिन्होंने इतना अत्याचार किया, और हम लोगों को केसेस भुगतनी पड़ रही है, हमको बार बार कोर्ट में जाना पड़ रहा है,
ये प्रतिक्रियाएं जरूर आती थी, लेकिन अंततः लोग मानते थे कि अगर हम ऐसे नहीं लड़ते 35 साल अभी पूरे हुए अगस्त में, तो जो भी हासिल किया है वो भी नहीं होता। सभी को अब अपनी मांगे ही नहीं, अपना संकल्प कैसे प्रकट करना, इसके अहिंसक सत्याग्रही तौर तरीके क्या है, इसमें आज गांधी होते तो क्या करते, ये सोच कर तय करना पड़ेगा। और वो चुनौती आज हमारे सामने है। इसलिए हिंसा के सामने जो आज धर्म के नाम पर बढ़ते हुए, और हमारे साथी माने गए कई कार्यकर्ताओं को निरपराध जेल में डालते हुए शासन अपना हिंसक रूप देखा दे रही है, उसी से वो अपनी वोट बैंक बनाती है, तो राजनीति में ही हिंसा आई है, सीधे सरल खून खराबा भी हो रहा है। और इस प्रकार से जन आंदोलनकारियों को जेल बंद करने की एक अलग हिंसा अब उन्होंने ऐसी अपनाई है कि 125 130 करोड़ लोग कर क्या रहे हैं, जनतंत्र होते हुए चुप कैसे बैठ सकते हैं, ऐसा सवाल कोई खुद को करे ऐसा लगता है। तो हम तो बोल रहे हैं, हम तो बोलेंगे, पर हम लड़ेंगे भी, और लड़ने बिना नहीं जीतेंगे। और जो एक एक जगह के अनुभव है उसको अब मल्टीप्लाई करना, अलग अलग जगह उसको अपनाना, ये हम निश्चित कर सकते हैं।